Yeah.
उनको हर बज़्म पर फौकियत है, इस बज़्म को हर बज़्म पर फौकियत है, हक्का की बज़्म गुलशने जन्नत है। इस बज़्म को हर बज़्म पर फौकियत है, हक्का की बज़्म गुलशने जन्नत है, सुनने को है जमा आशिकान शब्बीर, क्या वक्त है, क्या लोग हैं, क्या सोहबत है। तो मैं आज कुछ जोश की कुछ बंद भी पढ़ूंगा मरसिया शुरू करने से पहले, और वो मुनासिब भी है क्योंकि करबला का जो पैगाम है वो मैंने रखती तक महदूद नहीं है, बल्कि एक इनकलाबी पैगाम भी है करबला के, जिसका जोश अक्सर तस्करा करते हैं। बस चंद मजबूत पहले कुछ दुबाइयाँ। गुलशन में फिरूं के सहरे सहरा देखूं, गुलशन में फिरूं के सहरे सहरा देखूं, या मादनों को हो दश्तो दरिया देखूं, हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हैरान हूं कि दो आंखों से क्या क्या। दुनिया में मोहम्मद सा शहंशाह नहीं, दुनिया में मोहम्मद सा शहंशाह नहीं, किस राज से खालिक के वो आगाह नहीं। पीछे सुनिए कि बारीक है, बारीक है जिक्र कुर्बे मेराज अनीस, खामोश किया या सुखन को भी राह नहीं। और जोश की एक नज्म के तीन तीन शेर की नज्म इसी तरह, उफक से सहर मुस्कुराने लगी, उफक से सहर मुस्कुराने लगी, मुअज्जिन की आवाज आने लगी, यह आवाज हर चंद फरसूदा है, जहां सौ सदियों से आलूदा है, मगर मगर इसकी हर सांस में मुत्तसिल धड़कता है अब तक मोहम्मद का दिल। आला रुतबे में हर बशर से पाया, आला रुतबे में हर बशर से पाया, अफजल इन्हें खिज्र राहबर से पाया। देखिए खिज्र राहबर को आप याद रखिएगा, भटके हुओं को रास्ता दिखाते थे। अफजल इन्हें खिज्र राहबर से, आला रुतबे में हर बशर से पाया, अफजल इन्हें खिज्र राहबर से पाया, हुजूर ये दर जो न मिलता तो भटकते फिरते, ये दर जो न मिलता तो भटकते फिरते, जन्नत का पता अली के घर से पाया, ये दर जो न मिलता तो भटकते फिरते, जन्नत का पता अली के घर से पाया। और एक शायर हैं हैदराबाद के, सुनत है लेकिन हुसैन के फन आशिक जाहिर है, क्या अच्छा शेर है। कहते हैं कि जब ही खाक है हैदर के आस्ताने की, जब ही खाक है हैदर के आस्ताने की, ये एक शक्ल है महशर में मुंह दिखाने की, जबी बखाक है हैदर के आस्ताने की, ये एक शक्ल है महशर में मुंह दिखाने की। और इफ्तिखार कभी एक कथा उनकी नज़्म का अच्छी चीज का, क्या इफ्तिखार इफ्तिखार शरफ के शहर में हर बामुदर हुसैन का है, जमा तो बारे खुदाया ये किसका नाम आया कि मेरे नज़्मों से मेरी ज़बान गई। शरफ के शहर में हर बामुदर हुसैन का है,
जमाने भर के घरानों में घर हुसैन का है। वही शेर सुनिए कि हुजूरे शाफ़े महशर अली कहें, हुजूरे शाफ़े महशर अली कहें कि ये शख्स गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का, गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का। अब मैं जोश के आपकी हिदर पेश करता हूँ सब सलावात एक मतलब। याद रखिए कि करबला आज भी है एक लगातार पुकार, करबला आज भी है एक लगातार पुकार, है कोई पैरवी इब्न अली पर तैयार, असर हाजिर में यजीदों का नहीं कोई शुमार, असर हाजिर में यजीदों का नहीं कोई शुमार, तुम मुसल्लों पर दुजानी हो मुसल्ले अशराफ। ये नहीं नमाज के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी आप रखिए कि वहां कुछ और भी हो रहा है। तुम मुसल्लों पर दुजान हो मुसल्ले अशराफ, शोर मातम में कहीं केफ की झंकार नहीं, लब पे नाले हैं मगर हाथ में तलवार नहीं, दब पे नाले हैं मगर हाथ में तलवार नहीं। वो ये न भूलिए कि करबला करबला एक तजलजुल है मुईते दौरा, करबला एक तजलजुल है, क्या बात है क्या तरकीब है, करबला एक तजलजुल है मुईते दौरा, करबला आखिर मन सरमाया पर है बर्क तपा, करबला फिर मन सरमाया पर है बर्क तपा, करबला तब्ल पर है जरबते आवाज़े अज़ा, करबला तब्ल पर है जरबते आवाज़े अज़ा। ये दूसरा सुनिए कि करबला जुरत इनकार है पेशे सुल्तान, करबला जुरत इनकार है पेशे सुल्तान। और फिक्र अफसोस बहुत मशहूर बैत है ये, फिक्र अफसोस यहाँ काश्त नहीं कर सकती, कर फिक्र अफसोस यहां काश्त नहीं कर सकती, करबला ताज को बर्दाश्त नहीं कर सकती, करबला ताज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जब तक इस खाक पर बाकी है वजूद अशरार, जब तक शरीर लोग मौजूद हैं, जब तक इस खाक पर बाकी है वजूद अशरार, दोष इंसाफ है जब तक हशम तख्त का बार, दोष इंसाफ है जब तक हशम तख्त का बार, जब तक अखदार से अगराज हैं गर्मे पैकार, जब तक अवतार से अवराज हैं गर्मे पैकार, करबला हाथ से फेंकेगी ना हरगिज तलवार, करबला हाथ से फेंकेगी ना हरगिज तलवार। कोई कह दे ये हुकूमत के निगहबानों से, कोई कह दे ये हुकूमत के निगहबानों से, करबला एक अबदी जंग है सुल्तानों से, करबला एक अबदी जंग है सुल्तानों से। वाह हर कदम पे ठुकराते हैं, अज्ञान से हर गाम पे टकराते हैं, लेकिन लेता है जब कोई नाम हुसैन, हम अहले खराबात भी झुक जाते हैं, हम अहले खराबात भी झुक जाते हैं। तो ये जोश के हुसैन है हमारे और आपके भी हुसैन है। कौन जो कारवान अज़्म था, जो कारवान अज़्म का रहबर था वो हुसैन, खुद अपने खून का जो शिदावर था वो हुसैन, एक दीन ताजा का जो पैगंबर था वो हुसैन, जो करबला का दावर महशर था वो हुसैन, वो हुसैन जिसकी नजर पे शेवे हक का मदार था, जिसकी नजर पे शेवे हक का मदार था, जो रूह इंकलाब का परवरदिगार था। जिसकी नजर पे शेवाए हक का मदार था, जो रूह इंकलाब का परवरदिगार था। आहा, हमने तो इसी बंद पे हमने बंद कबूल किया, वाकई हमने बहुत तलाश किया, बड़े फलसफे देखे, बड़े
बिग बैंग और वो कोलाइडर वो हेड्रॉन कोलाइडर और मालूम नहीं क्या क्या हो, लेकिन हम जो ईमान लाए वो इस किस्म के जोश हमारे, क्या बात कह रहे हैं, कहते हैं हाँ वो हुसैन जिसका अबद आशना सबात, वाह वाह, हाँ वो हुसैन जिसका अबद आशना सबात, कहता है गाह गाह हकीमों से भी ये बात, हाँ वो हुसैन जिसका अबद आशना सबात, कहता है गाह गाह हकीमों से भी ये बात, यानी दरूने पर्दे सद रंगे कायनात, यानी दरूने पर्दे सद रंगे कायनात, एक आसा जहन है एक जी शऊर जात, एक आसा जहन है एक जी शऊर जात, सजदों से खींचता है जो मस्जिद की तरफ, और तन्हा जो एक इशारा है माबूद की तरफ। ये चंद बंद सुनिए कि कैसी ठोस बात जोश कहते हैं कि आलम में हो चुका है मुसलसल ये तजुर्बा, आलम में हो चुका है मुसलसल ये तजुर्बा, कुव्वत ही जिंदगी की रही है गिरह कुशा, कुव्वत ही पावर, कुव्वत ही जिंदगी की रही है गिरह कुशा, लेकिन और ये कि सर जोफ का कमजोरी का सर जोफ का हमेशा रहा है झुका हुआ, सर जोफ का हमेशा रहा है झुका हुआ, और ना ताकती की मौत है ताकत का सामना, ना ताकती की मौत है ताकत का सामना, लेकिन ताकत से शय मगर खजलो बदनसीब थी, ना ताकती हुसैन थी कितनी अजीब थी, ना ताकती हुसैन कितनी अजीब, आलम हो चुका है मुसलसल ये तजुर्बा, कुव्वत ही जिंदगी की रही है गिरह कुशा, सर ज़ौफ का हमेशा रहा है झुका हुआ, ना ताकती की मौत है ताकत का सामना, लेकिन ताकत सी शय मगर खजलो बदनसीब थी, और ना ताकती हुसैन की कैसी कितनी अजीब थी, और फिर वो ताकत के हालिया जबरदस्त बदहैबत और घिनौने मुजाहरों से मायूस होकर बैठ जाने वालों के लिए जोश बार बार हुसैन की मिसाल पेश करते हैं, कहते हैं कि ताकत सी शय को खाक में जिसने मिला लिया, तख्ता उलट के कसरे हुकूमत को ढा दिया, जिसने हवा पे रोबे अमारत उड़ा दिया, और ठोकर से जिसने गुंबदे शाही गिरा दिया, इस तरह जिससे जुल्म सिया फाम हो गया लफ्ज़े यजीद दाखिले दुश्मन, लफ्ज़े यजीद दाखिले दुश्मन हो गया, और पानी से तीन रोज हुए जिसके लब तर, पानी से तीन रोज हुए जिसके लब न तर, तेरो तबर को सौंप दिया जिसने घर का घर, तेरो तबर को सौंप दिया जिसने घर का घर, पानी से तीन रोज हुए जिसके लब तर, तेरो तबर को सौंप दिया जिसने घर का घर, जो मर गया जमीर की इज्जत के नाम पर, जो मर गया जमीर की इज्जत के नाम पर, जिल्लत के आस्था पे झुका है मगर सर, ली जिसने सांस रिश्ते शाही को तोड़कर, और जिसने कराई मौत की रख दी मरोड़ कर, जिसने कराई मौत की रख दी मरोड़ कर, बस इस पन पर खत्म करता हूं मैं कि तुस्सा शहीद कौन है आलम है हुसैन, तुस्सा शहीद कैसी मोहब्बत है, तुस्सा शहीद कौन है आलम है हुसैन, तू है हरेक दीदे पूर्णम में अय हुसैन, और जुहाद ही नहीं है तेरे गम है हुसैन, हम रिंदी हैं हल्के मातम में अय हुसैन, आजाद जो ख्याल में है और काम में वो भी असीर हैं तेरी जुल्फों के दाम में, बहुत बड़ा शायद था, हमने अपने को महरूम कर दिया जोश को भुरा के, खैर
वो बरसिया पेश कर रहा हूँ, आज मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा जिसमें मेरे नीयत से कुछ बरसिया के बारे में कहा गया क्या होना चाहिए बरसिया। अपने बारे में जानते थे कि बहुत बड़े शायर हैं, लेकिन इनके साथ में काम देखते देखते वाह। सुबह को चली थी तराजू शेर, मगर हमने पल्ला गरम कर दिया, तो मेरी कदर कर ऐ जमीन सुखन, तुझे बात में आसमान कर दिया। कहते हैं कि नमक खान तकल्लुम है फसाहत मेरी, लेकिन गौर कीजिए इस मिसरे पर कि नमक में खाने में जरा नमक तेज हुआ तो नागवार बदनागवार हो जाता है, तो जरा कम हुआ तो मजा नहीं आता। तो सही नमक होना चाहिए, वो है मेरी वसाहत। नमक खान तकल्लुम है फसाहत मेरी, फसाहत मेरी नाटक बंद है सुन सुन के बलागत मेरी, बलागत मेरी और रंग उड़ते हैं वो रंगी है इबारत मेरी, और शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी, शोर जिसका है दरिया है तबीयत मेरी, तबीयत मेरी उम्र गुजरी है इसी दश की सयारी में, उम्र गुजरी है इसी दश की सयारी में, पांचवी पुष्ट है शब्बीर की मर्दानी, अब तो माशाल्लाह से आठवीं पुष्ट है शब्बीर की मर्दानी। इस साहा के बुजुर्गों में मैंने अपने को आइडेंटिफाई कर लिया मेरे लिए, और फिर थोड़ा सा उनके खानवादे से भी ताल्लुक है तो ये ताली नहीं है। इस सना खां के बुजुर्गों में क्या क्या बनता, इस सना खां के बुजुर्गों में क्या क्या मत, मेरे अब्बा भी पढ़ते थे मसीहा, इस सना खां के बुजुर्गों में क्या क्या मद्दा, जड्डे आला से ना होगा कोई आला मद्दा, बाप मद्दा का मद्दा है दादा मद्दा, बाप मद्दा का मद्दा है दादा मद्दा, अम्मे जी कदर सना खानों में यकता मद्दा, अम्मे जी कदर सना खानों में यकता मद्दा, और जो इनायत इलाही से हुआ नेक हुआ, जो इनायत इलाही से हुआ नेक हुआ, नाम बढ़ता गया जब एक के बाद एक, जो इनायत इलाही से हुआ नेक हुआ नाम बढ़ता गया जब एक के बाद एक। और वो खानदान था खूबसूरत खानदान था, मेरे नहीं देखिए बजी आदमी थे, तो देखते हैं कि तबा हर एक की मौजू कदे जेबा मौजू, कोई छह फुट की थे न्यादा, तबा हर एक की मौजू कदे जेबा मौजू, सूरत सर्व अदर से है सरापा मौजू, नस्र बेसजा नहीं हमारी नस्र बेसजा नहीं, नज्म मुअल्ला मौजू, नस्र बेसजा नहीं नज्म मुअल्ला मौजू, मिसरा सुनिएगा कि तबा हर एक की मौजू कदे जेबा मौजू, सूरत सर्व अदल से है सरापा मौजू, नस्र बेसजा नहीं नज्म मुअल्ला मौजू, और दूर कहीं सकता नहीं आ सकता खुदा ना मौजू, कहीं सकता नहीं आ सकता खुदा ना मौजू, तो ले अख के मीजा में जो फहमीदा है, अल्फाज को ये नए मानी दे देते हैं जरा सुनिएगा, तो ले अख के मीजा में जो फहमीदा है, बात जो मुंह से निकलती है वो संजीदा है। अब संजीदा को क्या मानी दे दी है, तो ले अख के मीजा में जो फहमीदा है, बात जो मुंह से निकलती है वो संजीदा है। और देखिए ये उस वक्त लिख रहे हैं, कह रहे हैं जबकि उनका पूरे हिंदुस्तान में उनका डंका बज रहा था, उस वक्त कहते हैं मुब्तदी हूं, अब तक मुब्तदी कहते हैं बिगिनर कहते हैं, मुब्तदी हूं मुझे तौफीक अता कर या रब, क्या मुब्तदी हूं मुझे तौफीक अता कर या रब, मुब्तदी हूं मुझे तौफीक अता कर या रब, शौके मद्दाहिए शब्बीर अता कर या रब, अता कर या रब, संग हो मोम वो तकरीर अता कर, संग हो मोम वो तकरीर अता कर या रब, और नज्म में रोनी की तासीर अता कर, नज्म में रोनी की तासीर अता कर या रब, जद्दो आबा के सिवा और की तकरीर ना हो,
जद्दो आबा के सिवा और की तकलीर ना हो, हुजूर लफ्ज मोहलक ना हो, गुंजरक ना हो, ताकीद ना हो। इसलिए मेरी जमीन जिस तरह बातें करते हैं उसी तरह वो बिल्कुल मालूम होता था कि जैसे उन्होंने रोजमर्रा का जो बातें करते हैं उसी को उन्होंने नज्म में ढाल दिया है। तो तकलीर मानी मैं आपको जरा बता दूँ जो ना मालूम है, तकलीर कहते हैं एक मजमूम खराबी समझी जाती है शायरी में, उर्दू शायरी में, कि मैं आपको मिसाल पेश करता हूँ हरबंस राय बच्चन के, ये इनके हमारे जो अमिताभ के वाले मेरे यूनिवर्सिटी मेरे साथ थे, मेरे साथ ये मुझे पढ़ाते थे, उनका शेर है जो फिराक बदमाशी करके सबके सामने पेश करते थे कि आप ये हरबंस राय बच्चन साहब आए हैं वहाँ पे जोश बैठे हुए हैं और वहाँ पर ये बड़े बड़े शोरा हमारे सरदार भाई और मजाज ये सब बैठे हुए हैं वहाँ पर, हरबंस राय बच्चन आए तो फिराक तो आपसे मिलिए, आप हरबंस राय बच्चन साहब आप भी कहते हैं आप भी कहते हैं, और फिर उनका शेर कोट कर देते थे कि आप कहते हैं कि डैफोडिल डैफोडिल चारों ओर रहे हैं खिल ये चारों ओर रहे हैं खिल, बजाय इसके कि चारों ओर खिल रहे हैं, ये चारों ओर रहे हैं खिल जो हिंदी में बहुत इस्तेमाल होता है, मैं रहा हूँ जाओ इस वो ये ताकीद है, ये उर्दू में बहुत मजबूत समझी जाती है। इसी तरह इशारा है जद्दो आबा के सिवा और की तकलीफ ना हो, लफ्ज मोहलक ना हो, गुंजरक ना हो, ताकीद ना हो। रोजमर्रा फिर कहते हैं शराय, देखिए रोजमर्रा रोजमर्रा शराफा का हो, रोजमर्रा शराफा का हो, सरासत हो वही लबो लहजा वही सारा हो, मतानत हो वही लबो लहजा वही सारा हो, मतानत हो वही सामाई जल्द समझ लें जिसे सनअत हो वही, फिगर ऑफ स्पीच ऐसी हुई है नहीं दूर की कौड़ी ला रहे, सामाई जल्द समझ लें जिसे सनअत हो वही, यानी मौका हो जहां जिसका इबारत हो वही, यानी मौका हो जहां जिसका इबारत हो वही, हुजूर लफ्ज भी चुस्त हो मजमून भी आली होवे, लफ्ज भी चुस्त हो मजमून भी आली होवे, लेकिन लेकिन मसीहा मसीहा दर्द की बातों से ना खाली हो, मसीहा दर्द की बातों से ना खाली हो गए, वरना मसीहा दिन सरदस रह जाएगा। और फिर कहते हैं देखिए है कजी कजी त्योड़ापन है कजी ऐब मगर हुस्न है अबरू के लिए, है कजी ऐब मगर हुस्न है अबरू के लिए, तीरगी बद है अंधेरा तीरगी कालापन तीरगी बद है मगर नेक है येसु के लिए, तीरगी बद है मगर नेक है येसु के लिए, सुरमा जेबा है फकत नरगिस जादू के लिए, और जेब है खालिसिया काला तिल जेब है खालिसिया चेहरे गुलरू के लिए, जेब है खालिसिया चेहरे गुलरू के लिए। और ये फारसी में हमारे साहब बैठे हुए हैं वो जानते हैं फारसी, लेकिन ज्यादा मुश्किल फारसी नहीं है। क्या अच्छी बैत लिखी है मेरे मीस ने, जेब है खाले सिया चेहरे गुलरू के लिए, वो कहते हैं दानो दानो कस के फसाहत ब कलाम दर्द, वो शख्स जिसे शायरी से लगाव है वो जानता है उसी नराकतों को, दानो दानो कस वो शख्स दानो दानो कस के फसाहत ब कलाम दर्द, हर सुखन मौका हो हर नुक्ता मकाम हर सुखन मौका हो, यहाँ नुक्ते भी देखिए हर सुखन मौका हो हर नुक्ता मकाम दार, बज़्म का रंग जुदा बज़्म का रंग जुदा रज़्म का मैदान है जुदा, बज़्म का रंग जुदा रज़्म का मैदान है जुदा, ये चमन और है जख्मों का गुलिस्तान है जुदा, ये चमन और है बज़्म ये चमन और है जख्मों का गुलिस्तान है जुदा, फहमे कामिल हो तो हर नामे का उनवां है जुदा, और मुख्तसर पढ़ के रुला देने का सामा है जुदा, मुख्तसर पढ़ के रुला देने का सामा है जुदा। देखिए मसीह में दबदबा भी हो मसायद भी हो तौसीफ भी हो, दबदबा भी हो मसायद भी हो तौसीफ भी हो, दिल भी महजूर हो रिक्कत भी हो तारीफ भी हो, सलावत इस तभी के बाद भी साहब मतलब पेश करते हैं कि
माजरा सुबह शहादत का बयान करता हूँ। देखिए ये नखलिस्तान में सुबह हो रही है, फरात के किनारे लोग कहते हैं कि ये इतना हरा भरा और ये होता है नखलिस्तान में। मैं गया हूँ नखलिस्तान में, ठहरा हूँ नखलिस्तान में। तो और फिर दूसरी ये कि वो जो कंट्रास्ट पेश करते हैं मेरे दीस इस सुहानी सुबह के बाद वो जो एक खूनी सिपहर आने वाली है उससे इसका जाकर के जक्स्टापोजिशन होता है। तो माजरा सुबह शहादत का बयां करता हूँ, बयां करता हूँ रंजो अंधो हो मुसीबत का, बयां करता हूँ तृष्णा कामों की इबादत का, बयां करता हूँ जान इशारों की इताअत का, बयां करता हूँ और जिसका हमता नहीं एक एक मुसाहब ऐसा, जिसका हमता नहीं एक एक मुसाहब ऐसा, ऐसे बंदे न कभी होंगे न साहब ऐसा, ऐसे बंदे न कभी होंगे न साहब ऐसा। मैं सुबह सादिक कहूँगा सुबह सादिक तो हम अक्सर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है कि बड़े बड़े सादिक लोगों पे तस्करा भी तो हो रहा है ना। सुबह सादिक का हुआ चर्ख पे जिस वक्त जहूर, सुबह सादिक का हुआ चर्ख पे जिस वक्त जहूर, जमदमे करने लगे याद इलाही में तयूर। देखिए जब सुबह होती है तो सूरज भी निकलता है। मेरे नीस ने किस खूबसूरती से सूरज निकाला, जरा सुनिएगा कि सुबह सादिक का हुआ चर्ख पे जिस वक्त जहूर, जमदमे करने लगे याद इलाही में तयूर, और मिस्र खुर्शीद बरामद हुए खेमे से हुजूर, मिस्र खुर्शीद बरामद हुए खेमे से हुजूर, और एक बयक फैल गया चार तरफ दश्त में दूर, एक बयक फैल गया चार तरफ दश्त में दूर, शश जहत से रुखे मौला से जहूर हक था, और सुबह का जिक्र है क्या चांद का चेहरा पख्त, सुबह का चांद का चेहरा पख्त, ठंडी ठंडी वो हवाएं, ठंडी ठंडी वो हवाएं, वो बयाबां वो सहर, दम बदम झूमते थे वक्त के आलम में शजर, ओस ने फर्श जमर्रुद पर बिछाए थे गौर, ओस ने फर्श जमर्रुद पर बिछाए थे गौर, और मिसरत ने कि लोटी जाती थी लहकते हुए सब्जे पे नजर, लोटी जाती थी लहकते हुए सब्जे पे नजर, और दश्त से झूम के जब बादे सबा आती थी, दश्त से झूम के जब बादे सबा आती थी, साफ गुंचों की चिटकने की सदा, साफ गुंचों की चिटकने की सदा सलाम आते हैं। दश्त से झूम के जब बादे सबा आती थी, साफ गुंचों की चिटकने की सदा आती थी। वाह, आए नमाज अदा करने आए सज्जादा इताअत पर इमाम दो जहां, आए सज्जादा इताअत पर इमाम दो जहां, उस तरफ तबल बजा यहां हुई लश्कर में अजान, उस तरफ तबल बजा यहां हुई लश्कर में अजान, वो मुसल्ली नमाज पढ़ने वाले मुसल्ले पर बैठने वाले, वो मुसल्ली कि जबान इनकी हदीस व कुरान, वो मुसल्ली कि जबान जिनकी हदीस और कुरान, वो नमाजी कि जो ईमान के तने पाक की जान, वो नमाजी कि जो ईमान के तने पाक की जान, जाहिद ऐसे थे कि मुमताज थे अबरारों में, जाहिद ऐसे थे कि मुमताज थे अबरारों में, और आबिद ऐसे थे कि सजदे किए तलवारों में, आबिद ऐसे थे कि सजदे किए तलवारों में। क्या जवाना ने, क्या जवाना ने खुशतवार थे सुभान अल्लाह, क्या जवाना ने खुशतवार थे सुभान अल्लाह, क्या रफीकान वफादार थे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सफदरो गाजियो जर्रार थे सुभान अल्लाह, जाहिदो आबिदो अबरार थे सुभान अल्लाह। जनो फरजंद से फुरकत हुई मस्कन छोड़ा, इन लोगों ने जन फरजंद से फुरकत हुई मस्कन छोड़ा, लेकिन मगर अहमद के नवासे का न दामन छोड़ा, मगर अहमद के नवासे का न दामन छोड़ा। अल्लाह अल्लाह अजब फौज अजब गाजी थे, अल्लाह अल्लाह अजब फौज अजब गाजी थे, गाजी घोड़े
अल्लाह अल्लाह अजब फौज अजब गाजी थे, सॉरी अल्लाह अल्लाह अजब फौज अजब गाजी थे, अजब असवार थे बेमिसल, अजब ताजी थे ताजी घोड़ा, अल्लाह अल्लाह अजब फौज अजब गाजी थे, अजब असवार थे बेमिसल, अजब ताजी थे लायक मधो सदा बारे सरफराजी थे, वो बहुत कम थे 72 गो बहुत कम थे, आमादे जहाँ बाजी थे। तो प्यास सुनिए कि प्यास ऐसी थी कि आ गई जहाँ होठों पर, प्यास ऐसी थी कि आ गई जहाँ होठों पर, लेकिन साबिर ऐसे थे कि फेरी न जबान, साबिर ऐसे थे कि फेरी न जबान। ये लोग गो मुसीबत में तलातुम में तबाही में रहे, गो मुसीबत में तलातुम में तबाही में रहे, सर कटे पांव मगर राहे लाही में रहे, सर कटे पांव मगर राहे लाही में रहे। और यूं सर क्या तशबीह देखिएगा, यूं सर अफराद वो सब लश्कर शाही में रहे, लश्कर का तस्करा है, यूं सर अफराद वो सब लश्कर शाही में रहे, जिस तरह तेरे दुदम दस्ते सिपाही में रहे, जिस तरह तेरे दुदम दस्ते सिपाही में रहे। इस मुसीबत में न पाया कभी शाखी इनको, इस मुसीबत में जरा पानी रख दीजिए, इस मुसीबत में न पाया कभी शाखी इनको, आबरू आबरू साकी एक कौसर ने अता की, आबरू साकी एक कौसर ने अता की। क्या ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस किया हुआ, मोम फौलाद हो, मोम फौलाद हो आवाजों में वो सोजो गुदार जरूर, मोम फौलाद हो आवाजों में वो सोजो गुदार, अपने माबूद से सजदों में अजब राजों में आज, अपने माबूद से सजदों में अजब राजों में आज। हुजूर सर तो सज्जादों पे थे, अर्श मौला पे नमाज, सर तो सज्जादों पे थे अर्श मौला पे नमाज, और शेर दिल मुंतखबे दहर वहीदो मुमताज, शेर दिल मुंतखबे दहर वहीदो मुमताज। अरे चांद शर्मिंदा हो, चांद शर्मिंदा हो चेहरे मुतजल्ली ऐसे, तो फिर ना इमाम ऐसा हुआ फिर न मुसल्ली ऐसे, इमाम ऐसा हुआ फिर न मुसल्ली ऐसे। तो जब नमाज पढ़ चुके, जब फरीजे को अदा कर चुके वो खुश किरदार, जब फरीजे को अदा कर चुके वो खुश किरदार, कस के कमरों को बसत शौक लगाए हथियार, जलवा फरोज हुए जलवा फरमा हुए घोड़े पे शहे अर्शार, जलवा फरमा हुए घोड़े पे शहे अर्शार। और इधर अलम फौज को अब्बास ने खोला एक बार, अलम फौज को अब्बास ने खोला एक बार, अलम का खुलना था कि दश्त में निखते फिरदौस से बरी आने लगी, दश्त में निखते फिरदौस से बरी आने लगी, अर्श तक उसके फरेरे की हवा जाने लगी, अर्श तक उसके फरेरे की हवा जाने लगी। सलावत जनाब अब्बास के बारे में दो तीन बंद, वो आलमदार कि जो शेर इलाही का खलफ, वो आलमदार कि जो शेर इलाही का खलफ, गौरे पहरे वफा नैगरे दीन दुर नजफ, वो आलमदार कि जो शेर इलाही का खलफ, नई गौरे बहरे वफा नैगरे दीन दुर नजफ, फख्र हमजा से नमूदार था जाफर का शरफ। और किस तरह चांद कहूँ चांद में है अब कलफ, किस तरह चांद कहूँ चांद में है अब कलफ, किसने पाया, किसने पाया वो जो था जाहो हशम इनके लिए। अब दूसरा सुनिएगा कि किसने पाया, किसने पाया वो जो था जाहो हशम इनके लिए, ये आलम के लिए थे और आलम इनके लिए, ये आलम के लिए और आलम इनके लिए। सरफ शर्मा है कद इस तरह का कामत ऐसी जनाब अब्बास की, शेर सरफ शर्मा है कद इस तरह का कामत ऐसी, असदुल्लाह की तस्वीर थे
सूरत ऐसी बिल्कुल हजरत अली की, सर्व शर्माए कद इस तरह का, कामत ऐसी, असदुल्लाह की तस्वीर थे, सूरत ऐसी, शेर नारों से दहल जाते थे, सौलत ऐसी, शेर नारों से दहल जाते थे, सौलत ऐसी, और जाके पानी न पिया नहर पे हिम्मत ऐसी, जाके पानी न पिया नहर पे हिम्मत ऐसी, जान जब तक थी इताअत में रहे भाई, जान जब तक थी इताअत में रहे भाई थी, और थे अलमदार मगर सक्कों की, मगर बच्चों की सकाई की, थे अलमदार मगर बच्चों की सकाई की, वो बहिश्ती ने किया, वो बहिश्ती ने किया जिसको वफा कहते हैं, वो बहिश्ती ने किया जिसको वफा कहते हैं, हम इन्हें आशिक शाह शहदा कहते हैं, उनको किबला तो इन्हें किबला नुमा कहते हैं, उनको किबला तो इन्हें किबला नुमा कहते हैं, जो बहादुर ने वो शमशीर खुदा कहते हैं, जो बहादुर हैं वो शमशीर खुदा कहते हैं, और इश्क़ सफ़ीर है कि इश्क़ सरदार व अलमदार का अफसाना है, इश्क़ सरदार व अलमदार का अफसाना है, वो चिराग़ रहे दी है तो ये परवाना है, वो चिराग़ रहे दी है तो ये परवाना है। और फिर जनाब अकबर, एक तरफ अकबर महरू साहब जवान नायाब, एक तरफ अकबर महरू सा जवान नायाब, कुछ जो बचपन था तो कुछ आमदे अय्याम शबाब, 18 बरस के थे, कुछ तो बचपन था तो कुछ आमदे अय्याम शबाब, रोशनी चेहरे पर ऐसी कि खजल हो महताब, और आंखें ऐसी कि रहा नरगिस शहला को हिजाब, और जिसने इन गेसुओं में रुखी जिया को देखा, हम शक्ले पैगंबर भी थे, जिसने इन गेसुओं में रुख की जिया को देखा, सुनिएगा मैं सही, जिसने इन गेसुओं में रुख की जिया को देखा, शबे मेराज में महबूब खुदा को देखा, शबे मेराज में क्या चेहरा होगा, तो शबे मेराज, शबे मेराज में महबूब खुदा को देखा। और फिर कासिम इब्न हसन ने कोई 12-13-14 साल की उम्र, उनके बारे में एक बंद, क्या खूबसूरत बंद है, अय खुशा हुस्न रुख यूसुफ कनआन हसन, अय खुशा हुस्न रुख यूसुफ कनआन हसन, राहत रूह हुसैन इब्न अली जान हसन, फिर से पढ़ते हैं, मजा आता है पढ़ने, अय खुशा हुस्न रुख यूसुफ कनआन हसन, राहत रूह हुसैन इब्न अली जान हसन, जिस्म में जोर अली तबा में एहसान हसन, जिस्म में जोर अली तबा में एहसान हसन, हम तन खुल्क हसन हुस्न हसन शान हसन, हम तन खुल्क हसन हुस्न हसन शान हसन, और तन पे कटबा की अबरत हूँ कि तन पे करती थी नजाकत से गरानी कोशा, तन पे करती थी नजाकत से गरानी कोशा, क्या भरी लगती थी बचपन में सुहानी पोशा, क्या भली रहती थी बचपन में सुहानी पोशा, ये उर्दू है, ये उर्दू है, क्या मुजज़ा ज़बान है साहब, जहाँ से दिल चाह फारसी ले ली अरबी का लफ्ज़, और ये सारे सिंधी का लफ्ज़ सुहानी पोशा, क्या भली लगती थी बचपन में सुहानी पोशा। तो मुझे वो शेर याद आता है कि बड़ा शायरी इस किसी में शेर लिख सकता है, तो वाकई जहाँ हजरत जनाब अजहर का तस्करा हो रहा है, छोटा सा 6 महीने का बच्चा, ऐसा 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 ज़बरदस्त ख़ानदान, ऐसा ऐसा पाक ख़ानदान, और फिर उसमें 6 महीने का बच्चा, उसमें ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं मीर साहब, ऐसा गाढ़ा लफ्ज़ वही, और उसके बजाय और कोई लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं हो सकता था, दफन कर रहे हैं अस्तर को, दफन कर आखिरी, उसके बाद और कोई नहीं रह जाता, कोई नहीं, सब शहीद हो चुके हैं, कि नंदी से कब्र खोद के असगर को गाड़ के, नंदी से कब्र खोद के असगर को गाड़ के, शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के, शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के। क्या भली लगती थी बचपन में सुहानी कोशा, और फिर अली के नवाज से और मोहम्मद जैनब के जो 5-5-6-6 बरस के बच्चे, अल्लाह अल्लाह असद हक के नवासों पे जलाल, अल्लाह अल्लाह असद हक के नवासों पे जलाल, चांद से चेहरों पे बल खाए हुए जुल्फों के बाल,
नीमचे कांधों पर रखे हुए छोटी सी तलवारें, नीमचे कांधों पर रखे हुए मानिंद हिलाल, गर्चे बचपन था पर रुस्तम को समझते थे जाल, सबसे घोड़ों को बढ़ाकर जो पलट जाते थे मोर्चे लश्कर सब कुफार के हट जाते थे। तो देखिए बचपन की छोटे छोटे बच्चे आस्तीनों को चढ़ाए हुए आमादे जंग, वो शौक था, एक खेल था उनके लिए आस्तीनों को चढ़ाए हुए आमादे जंग, वही सारा असदुल्लाह का नक्शा, वही रंग, सुर्ख चेहरे थे, सुर्ख चेहरे थे कि शेरों का यही होता है रंग, सुर्ख चेहरे थे कि शेरों का यही होता है रंग, बलबला सबके उलटने का लड़ाई की उमंग, जिस्म पर तीर चले तीर तेरे दे दे फुहार चले, लेकिन शौक इसका था कि जल्दी कहीं तलवार चले, शौक इसका था कि जल्दी कहीं तलवार चले। तो यक बयक ना एक दूसरे में मूड बदल देते नहीं सर क्या मोदे में, यक बयक तबल बजा फौज में गरजे बादल, यक बयक तबल बजा फौज में गरजे बादल, कोह थर्राए जमी हिल गई गूंजा जंगल, फूल ढालों के चमकने लगे तलवारों के फल, फूल ढालों के चमकने लगे तलवारों के फल, मरने वालों को नजर आने लगी शक्ले अजल, बांके चाऊश बढ़ाने लगे दिल लश्कर का, बांके चाऊश बढ़ाने लगे दिल लश्कर का, फौज इस्लाम में नारा हुआ या हैदर का, फौज इस्लाम में नारा हुआ या हैदर का, और शोर मैदानियों में था, मैदानी का हमको शोर मैदानियों में था, वो कह रहे कि दिलेरों निकलो, अरे दिलेरों क्या बुजदिलों का, फिर अब ये दुश्मन की फौज जदीद की फौज में लोग सामने नहीं निकल रहे थे, शोर मैदानियों में था कि दिलेरों निकलो, अरे नेजाबाजी करो रहवारों को फेरो निकलो, कहाँ जा रहे हो लड़ाई करो नेजाबाजी करो रहवारों को फेरो निकलो, अरे नहर काबू में है अब प्यासों को घेरो निकलो, कब वक्तो नहर काबू में है प्यासों को घेरो निकलो, गाजियो बुजदिलो गाजियो सबसे बड़ो गोर से शेरो निकलो, अरे रुस्तमो दादे भिगा दो कि ये दिन दाद का है सामना है दरे कर्रार की औलाद का है। उधर तो ये और इधर देखिए कैसी रियलिस्टिक बातें करते बातें, यहाँ कोई ताल नहीं, शोर सादात में था, वहां तो ये कि रुस्तमो दादे भिगा दो कि ये दिन रास का है सामना है दरे कर्रार की औलाद का है, गाजियो सबसे बड़ो गोर से शेरो निकलो, और इधर शोर सादात में था या शह मर्दा मदद, शोर सादात में था या शह मर्दा मदद, काबे दी मदद क़िबले ईमा मदद, कुवते बाजुए पैगम्बर ज़ीशां मदद, दम ताईद है ऐ फख्र सुलेमा मदद, ऐ फख्र सुलेमा मदद, तीसरा फाका है ताकत में कमी है मौला, तीसरा फाका है ताकत पे कमी है मौला, तलब कुवत साबित कदमी है मौला, कितने में सामने बढ़ के यकायक सफे कुफार आई, मतलब सामने बढ़ के यकायक सफे कुफार आई, झूम कर तीरा घटा तारों पे एक बार आई, रोजे रोशन की छुपाने को शबे तार आई, बड़ी जबरदस्त कोई हजारों की फौज थी, रोजे रोशन की छुपाने को शबे तार आई, तिश्न कामों की तरफ तीर की बौछार आई, तिश्न कामों की तरफ तीरों की बौछार आई, तो हंस के मुंह भाई का शाहे शोहदा ने देखा, हंस के मुंह भाई का शाहे शोहदा ने देखा, अपने आका को बहसरत रुफका ने देखा, बहसरत रुफका ने देखा, तो अर्ज अब्बास ने की तो जोश आता उनको, अर्ज अब्बास ने की जोश है, जोश है जर्रारों को, अर्ज अब्बास ने की जोश जर्रारों को, तीर सब खाते हैं तोले हुए तलवारों को, और आका मेहमानों का नहीं पास सितमगारों को, मेहमानों का तो मेहमान बुलाए, मेहमानों का नहीं पास सितमगारों को, वो मसलहत हो, मसलहत हो तो मौला मसलहत हो तो रजा दीजिए गमखारों को, मसलहत हो तो रजा दीजिए गमखारों को, रूसियाओं को मिटा दें कि बढ़े आते हैं, रूसियाओं को मिटा दें कि बढ़े आते हैं, हम जो खामोश हैं, हम जो खामोश हैं वो मुंह पे चढ़े आते हैं, हम जो खामोश हैं वो मुंह पे चढ़े आते हैं। तो शायद ने फरमाया कि नहीं अब्बास,
शाह ने फरमाया मुझे खुद है शहादत मंजूर, शाह ने फरमाया मुझे खुद है शहादत मंजूर, न लड़ाई की हवस है न शजात का गुरूर, जंग मंजूर न थी उनसे पैभू मजबूर, खैर लड़ लो के सताते हैं बेजुर्म कसूर, ज़बह करने के लिए लश्कर नारी आए, कहीं जल्दी मेरे सर देने की बारी आए। हुक्म पाना था, हुक्म पाना था कि शेरों ने उड़ाए ताजी घोड़े उड़ाए, हुक्म पाना था कि शेरों ने उड़ाए ताजी, मिस्र शहबाज गया एक के बाद एक गाजी, बाहरी हर खुशाजर जहे जाबाजी, बाहरी हर खुशाजर जहे जाबाजी, उड़ गया हाथ बढ़ा जो पे दस्त अंदाजी, उड़ गया हाथ बढ़ा जो पे दस्त अंदाजी, लौटते रंग सरो जिस्म नजर आते थे, एक हमले में कदम फौज के हट जाते थे। लेकिन कितने लोग थे बाद गैरों के अंसार के बाद, बाद गैरों के अजीजों ने किया अजम नबर, सर को जोड़ा के भरा सिक्त नबी ने दबे सर, फूक उठी कभी सीने में तो दिल में कभी दर्द, सुर्ख होता तो कभी चांद सा चिता कभी दर्द, कोई गुलरूत कोई सर में सही बारा था, कोई गुलरूत कोई सर में सही बारा था, वो बिछड़ने लगे गोदी में जिन्हें पाला था, वो बिछड़ने लगे गोदी में जिन्हें पाला था, जुल्फों वाला था कोई, जुल्फों वाला था कोई, कोई मुरादों वाला, कोई भाई का पिसर कोई बहन का पाला, चांद सा मुंह जो किसी का था तो गेसु हाला, और कोई कामत में बहुत कम कोई कद में बाला, नौजवान कौन सा खुशबू खुशंदाज न था, कितने ऐसे थे कि सबसे अभी आगाज न था, कितने ऐसे थे कि सबसे अभी आगाज न था। बहुत से बंदा तब कर रहा हूं तो यही यही हंगामा रहा सुबह से ताव वक्त जवाल, लाश पर लाश गिरी भर गया मैदान कताल, मोर्चे सब तहबारा थे परे सब पामाल, सुर्ख लेकिन सुर्ख रू खल्क से उठे असदुल्लाह के लाल, खेत ऐसे भी किसी जंग में कम पड़ते हैं, जो लड़ा सब यही समझे कि अली लड़ते हैं, जो लड़ा सब यही समझे कि अली लड़ते हैं, और कासिम अकबर अब्बास का अल्लाह ने जहा गुल हर एक जर्ब पे था, अब हुई दुनिया बर्बाद, अलमा का तो कहीं शोर कहीं थी फरियाद, दे गए खल्क में मर्दान ये हर की दाद, गो वो दुनिया में नहीं क्या बैसी थी, गो वो दुनिया में नहीं आश मकाम उनका है, गो वो दुनिया में नहीं आश मकाम उनका, आज तक आलम ईजाद में नाम उनका है, आज तक आलम ईजाद में नाम उनका है, लेकिन दो पहर में वो चमन, दो पहर में वो चमन बाद फिजा ने लूटा, दो पहर में वो चमन बाद फिजा ने लूटा, पत्ता पत्ता हुआ ताराज तो बूटा बूटा, बाप बेटे से छूटा भाई से भाई छूटा, और इब्न जहरा की कबर छुप गई बाजू टूटा, इब्न जहरा की कबर छुप गई बाजू टूटा, फिर न यावर न वो जाबाज न वो शहदा थे, जोहर के वक्त हुसैन इब्न अली तन्हा थे। बंद दो चार बंद और पढ़ते थे साथ, थोड़ी सी उनकी लड़ाई भी जरा थोड़ी सी तलवार साथ, जो जो के बहादुर थे वतन से आए, सामने सोते थे रेती पे सुनाने खाए, धूप में प्यास से मिसले गुले कर मुझाए, मर गए पर न गरीबों में कफन तक पाए, धूप पड़ती थी ये दिन चरख ने दिखलाया था, न तो चादर थी किसी लाश पे न साया था, और साहबे फौज पे क्या कैसा अच्छा फिक्रा इस्तेमाल किया मेरे नीज ने, कहीं तो शाह मशफैन कहा है कहीं से यदु शहदा कहा है, यहाँ पर छोटी सी तो फौज है फिर भी कहते हैं साहबे फौज पे तारी था अजब रंज मलाल, सारी फौज कट गई है, साहब फौज पर तारी था अजब रंग मलाल, जर था रंग तो आंखें थी लहू रोने से लाल, कभी भाई का आलम था कभी बेटे का ख्याल, कभी धड़का था कि लाशें न कहीं हो पामाल, कभी बढ़ते थे बिगा को कभी रुक जाते थे, और सीधे होते थे कभी कि सर काट लो हाजिर हूं मैं, न तो लड़ने में न मर जाने में कासिर हूं मैं, फौज भी कम वक्तो फौज भी अब नहीं बे यावर और नासिर हूं मैं, शहर सहरा भी तुम्हारा है मुसाफिर हूं मैं,
रूप लो, फूंक दो, ताराज करो, बेहतर है। कलमा गोयो ये तुम्हारे ही नबी का घर है, कलमा गोयो ये तुम्हारे ही नबी का घर है। देखो इसमें कई सैदानियां खेमे में है पर्दे वाली, कई सैदानियां खेमे में है पर्दे वाली, जिनका रुतबा है जमाने में हर एक पर हाली। अब ना वालिस कोई सर पर है न कोई वाली, उनको देखो उनको दीजो, इनको दीजो, कोई रह जाए जो खेमा खाली। ये नबीजादियाँ बेपर्दा ना हुए जिसमें एक गोशा हो कि सब बैठ के रोए जिसमें। तो सुन के इन बातों का आदा न लिया जो कि जवाब, गर लिखूँ उसको तो हो जाए जिगर संग का आग। कर्म थर्रा गया हर किस्म रही सब किताब, इमाम को दैश आ रहा है। कल थर्रा गया हर गिज़्म रही सब किताब, देख कर रह गए गर्दू को शहे अश जनाब, देख कर रह गए गर्दू को शहे अश। खाली उसे करते हैं जो दिल भर आए, आप रोने के लिए खेमे के दर पर आए। थम के चिल्लाए जय ज़ैनबो में कुलसूम, तुमसे रुख्सत को फिर आया है हुसैन मज़लूम। अब मेरे कत्ल के दर पर है ये सब लश्कर शूम। हाँ जगा दो उसे कश हो जो सकीना मासूम, नहीं मिलता जो जमाने से गुजर जाता है, वो कह दो आबिद से कि मरने को पिधर जाता है। ये सदा सुन के हरम खेमे से मुस्तर दौड़े, शह की आवाज पर सब बेकसु बे पर दौड़े। गिर पड़ी सर से रदाएं तो खुले सर दौड़े, बच्चे रोते हुए माओ के बराबर दौड़े। रोके चिल्लाती थी रोके चिल्लाई सकीना, शहबाला आओ मैं तुम्हें ढूंढती थी देर से बाबा आओ। देख कर पर्दे से ये कहने लगी ज़ैनब-ए-ज़ार इब्ने ज़हरा, इब्ने ज़हरा तेरी मज़लूमी और गुर्बत के निसार, आओ चादर से करूँ पाक में चेहरे का गुबार। शह ने फरमाया बहन मर गए सब मुनिस यार, शह ने फरमाया बहन मर गए सब मुनिस यार। तुमने पाला था जिसे बहन, तुमने पाला था जिसे, हम उसे रो आए हैं और अली अकबर से जिगरबंद को खो आए। मुंह दिखाएं किसे सबसे निदामत ज़ैनब, घर में आने की नहीं भाई को मोहलत ज़ैनब। खींच लाई है सकीना की मोहब्बत ज़ैनब, भाई जाता है दिखा दो हमें सूरत ज़ैनब। देखो न तो सर खोलो न मुंह पीटो न फरियाद करो, भूल जाओ हमें अल्लाह को अब याद करो। बस आखिरी दो बंद कि सब्र से खुश खुदा ए मेरी गमखार बहन, सब्र से खुश खुदा ए मेरी गमखार बहन, सहल हो जाता है जो अम्र हो दुश्वार बहन। अपनी माँ का है तरीका तुम्हें दरकार बहन, फिर मैं कहता हूँ सकीना खबरदार बहन। नास परवर है मेरे बाद अलम उस पर न हो, बुंदे कानों से उतारो कि सितम उस पर न हो। ये देखिए आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसमें देखिए हिफ्ज मरातिब देखिए जनाब आबिद के बारे में कह रहे हैं। तो पहले दो अशार में एक इमाम होने वाले इमाम का तस्करा कर रहा है, उसके बाद बात और कहियो आबिद से ज़ैनब, कहियो आबिद से ये पैगाम मेरा बाद सलाम। देखिए एहतराम, कहियो आबिद से ये पैगाम मेरा बाद सलाम, गश थे तुम फिर गए दरवाजे तलक आके इमाम। अब ये बाप बोल रहा है कैद में फंस के न घबराइयो ऐ गुलंदाम, कैद में फंस के न घबराइयो ऐ गुलंदाम, काटियो सब्र रज़ा से सफरे कूफा और शाम। ए बेटा नाव मझधार में है, नाव मझधार में है शोर तला तुम जानो, और ना खुदा जाता है घर जाने और अब तुम जानो, ना खुदा जाता है घर जाने और अब तुम जानो। जदा कुला खैर जुदा आजीवन मैंने तस्बीन की है वीरजीत के मरसिए में उनके आजीवन से, ये मेरा लिखा हुआ है कि हक से है अब ये मुनाजात, हक से है अब ये मुनाजात, क्या रब कबीर बख्श दे बख्श हम सब के गुनाहों को बहल कर तकसीर। लब पे हो तेरी सना दिल में वो गुब्बे शब्बीर, जब पढ़ूं मीर अनीस और सिवा हो तासीर। आठवीं पुष्ट है शब्बीर की बताई में,
बाकी गुजरे तो इसी दश्त की सही आएगी।